बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह पाक का शुक्र और मदद के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करने के लिए आपका दोस्त फहद शाह हाजिर है। आज की वीडियो में मैं शॉपिंग सेंटर जाऊंगा और वहां से जाके अपने व्लॉगिंग के लिए एक नया डिजिटल कैमरा बाय करूंगा। इस वक्त तो मैं व्लॉगिंग अपने मोबाइल से कर रहा था, लेकिन आप लोगों का प्यार मोहब्बत और सपोर्ट देख के मैंने सोचा कि इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेवल पे लेके जाया जाए, तो उसके लिए मैं अब एक डिजिटल कैमरा बाय करूँगा। काफ़ी मैंने उस पर वर्कआउट किया है, उसके काफ़ी रिव्यूज़ चेक किए हैं, दोस्तों से भी पूछे हैं उसके फीचर्स वगैरह के बारे में। तो मैं अभी आपको नहीं बताऊँगा कौन सा बाय करने लगा हूँ, क्योंकि आपको शॉपिंग सेंटर लेके जाऊँगा और वहाँ जाके आपको दिखाएँगे, फिर उसको लेकर आके उसको अनबॉक्सिंग करेंगे और इसके रिव्यूज़ भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो कैमरा बाय करने से पहले अगर तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो फिर कैमरा बाय करने चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उस दिन शॉपिंग के लिए हम गए थे, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था मैं और काफ़ी डिफरेंट शॉप से जाके शॉपिंग करनी पड़ी थी, जिसकी वजह से मैं अपनी वीडियो इतनी कम्प्लीट नहीं कर सका। तो आज मैं वीडियो कम्प्लीट कर रहा हूँ फुल एसेसरीज बाय करने के बाद। तो सबसे पहले तो कैमरा स्टार्ट करते हैं। कैमरा जो मैंने बाय किया है ये है कैनन M50। बहुत ही ज़बरदस्त कैमरा है, इसके बहुत ज़बरदस्त रिव्यूज़ आए हैं और इसमें 4K वीडियो कैपेसिटी है, इसमें ब्लूटूथ भी है, वाईफाई कनेक्टेड भी है, HDMI भी है। तो सबसे पहले मैं इसको ओपन करूँगा, इसमें से क्या क्या एसेसरीज निकलती है ये मैं आपको दिखाऊंगा। आज की वीडियो में मैं सारी चीज़ें अनबॉक्स करेंगे और देखते हैं कि इसमें से क्या क्या चीज़ें निकल रही हैं। ये होल्डिंग स्ट्रैप है जो कि आप कैमरे में लगा के आप गले में होल्ड कर सकते हैं कैमरे को। ये आ गया हमारा चार्जिंग केबल जो निकलेगी इसमें से। ये आ गई बैटरी और इस मॉडल में एक बैटरी देते हैं ये। आई थिंक सारे मॉडल में एक बैटरी होती है। एनीवे एक बैटरी है, ये चार्जिंग पॉड है जो कि उस केबल के साथ कनेक्ट होगी। उसके बाद जो निकलेगा ये क्या निकलेगा जी, तो ये निकला है हमारा लेंस, कैनन का लेंस, कैनन का। ये है 15-45 mm इमेज स्टेबलाइजेशन है इसमें। और लास्ट वन फ्रॉम दिस बॉक्स इज कैमरा। तो ये है जी हमारा कैनन M50 कैमरा। खाली हो गया है, इसको मैं साइड में फेंकता हूँ। सबसे पहले हम इसको असेंबल करते हैं, तो उसके लिए हमें ये इसका ऊपर कवर हटाएंगे हम। उसके बाद लेंस है, ये दोनों साइड पे कवर है इसके। ये जो है ये फ्रंट लेंस है, ये बैक है, तो हम इसको ओपन करेंगे। और जब आप इसको असेंबल करें तो आपने ये देखना है यहाँ पे एक वाइट कलर का डॉट है और इसी तरह का वाइट डॉट कैमरे में है। तो इन दोनों को हमने मिलाना है, यानी इस डॉट को डॉट के ऊपर करके हमने इसको क्लिक करना है। ये क्लिक की आवाज़ आएगी तो ये हमारा होल्ड हो जाएगा, ठीक है। ये आपका फ्रंट लेंस का कवर आ गया, ये मैं फिलहाल इसको लगा देता हूँ। इसके अलावा जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे इस कैमरे में लगी, मेरे पास ऑलरेडी एक स्टिल कैमरा भी है और एक हैंडी कैम भी, उसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं था इसलिए मैं अपने मोबाइल से वीडियो करता था। इसकी जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी है इसका ये फ्लिप आउट स्क्रीन है, ये देख सकते हैं आप। या आप वीडियो जो बना रहे हैं आप इसको इस तरह भी लग सकते हैं, अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हैं तो आप इसको चेंज कर सकते हैं इसका डायरेक्शन। तो आप सामने से व्लॉगिंग करेंगे और आपको नज़र आएगा कि आपकी फुटेज कैसे आ रही है। सेकंड, आप इसको फ्लिप आउट कर दें, आप इसको इस तरह से भी वॉच कर सकते हैं। ये छोटा सा क्लिप है, ये इसमें हमारा इसको आप यूज़ करें तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज इसको फेंक दीजिएगा, रख दीजिएगा, जो भी आपको दिखा रहे। ये हमारा एक्सटर्नल माइक के लिए है जो कि मैंने ऑलरेडी बाय किया है, इसके एसेसरीज में वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। ये साइड पर जो है ये हमारा एक्सटर्नल माइक का पॉइंट है, यहाँ पे एक्सटर्नल माइक का अटैच होता है, उसकी लीड अटैच होती है। यहाँ पे आपकी HDMI है, प्लस आपका चार्जिंग भी, अगर आपने चार्जिंग करना है विदाउट इस पॉट के।
क्विकली मैं आपको इसकी इंस्ट्रक्शन बता देता हूँ और यहाँ से इसका ऑन ऑफ है, ये इसके थोड़े से मूवीज और वीडियोज और उसके फंक्शन है। सेकंड में अब मैं इसको रख देता हूँ, मैं सेकंड चीज पे जाता हूँ अपने जो मैं बाय करके लाया हूँ वो है बोया का एक्सटर्नल माइक। अब हम इसको ओपन करते हैं। इसमें से क्या क्या चीजें निकलती हैं ये देखते हैं। ये आ गया हमारा बोया का एक्सटर्नल माइक। अब इसको असेंबल करते हैं। इसके असेंबल में ये क्लिप है, ये क्लिप हमारा ये माइक इस तरह जाएगा, ये क्लिप इस तरह अटैच हो जाएगा, ठीक है। और ये फिर हमारा माइक, ये वही पॉइंट है जो मैंने आपको बताया था जिसके हमने छोटी सी पिन पे की है, ये इसके अंदर अटैच होगा, अटैच होके हम इसको स्क्रू कर देंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एक्सटर्नल माइक। ये इसकी थोड़ी सी लीड्स हैं जो कि इसके साथ यहाँ लग के और हम इसको इसमें लगाएंगे। मैं दिखा देता हूँ आपको, लगेगा ये वाली लगेगी, ये इस तरह से हमारा अटैच हो गया। ये वाला व्लॉगिंग के लिए मैं ये वाला माइक यूज करूंगा और कुकिंग के लिए, दूसरे प्रोजेक्ट के लिए मैं एक और माइक लेके आया हूँ, वो ये वाला माइक है जो कि आपके क्लोज पे छोटा साइज लगता है, वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में यूज करूंगा। अब हम अपने नेक्स्ट उस पर जाते हैं, इसको ओपन करके दिखा देंगे नेक्स्ट वीडियो में जब मैं इसको यूज करूंगा। क्योंकि मैं आपको दिखा देता हूँ इसे, ये भी बोया का ही माइक है। क्या हुआ अगर ऐसे पाउच में सेट हुआ हुआ, ये देखें, ये माइक है, इसकी लीड्स वगैरह है सारी, ये इसमें बैटरी डलेगी और ये छोटा सा क्लिक आपके कपड़ों पे ये लग जाएगा, आपने देखा होगा। अच्छा, ये है जी हमारा हैंड ट्राईपॉड, इसको ओपन करते हैं। ये इसकी इंस्ट्रक्शन बुक है। ये ट्राईपॉड बहुत ज़्यादा यूजफुल ट्राईपॉड है जब हम व्लॉगिंग कर रहे होते हैं उसके लिए। यहाँ देख लें, छोटा सा पॉइंट दिया हुआ है इसमें, हम इसमें यहाँ पे स्क्रू करेंगे। ये आ गया हमारा ट्राईपॉड। इसके बहुत ज़बरदस्त फंक्शन कह लें, फंक्शन तो नहीं कहूँगा, मतलब यूज करने के आप तरीके हैं जो कि अगर तो आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या कोई और टॉपिक पे आप वीडियो बना रहे हैं तो आप इसको लगा सकते हैं करके। सेकेंडली जब आप व्लॉगिंग करते हैं तो वही मैं आपको बताऊं, जो स्क्रीन फ्लिप आउट हो जाती है ये देखें, और इसको आप ब्लेंड कर लें अपने हिसाब से और आप भी इसको व्लॉगिंग कर सकते हैं, मीन्स के यू व्लॉगिंग कर सकते हैं। अब इसको भी रख देता हूँ मैं। अभी आ गया हमारा काफी भारी है मेन ट्राईपॉड, जो कि कुकिंग के टाइम पर यूज होगा, या जैसे मैं बाहर फिल्में वगैरह करने जाता हूँ तो बाहर फिल्में के लिए ये ट्राईपॉड यूज होगा मेरा, या इसके अलावा अगर कोई और प्रोजेक्ट वगैरह है तो उसके लिए यूज होगा, बहुत यूजफुल चीज़ है। ये आ गया हमारा बड़ा ट्राईपॉड, इसको आप हैंड में कैरी नहीं कर सकते क्योंकि बड़ा, ये छोटा वाला भी आप हैंड कैरी है। ये देखें, इसको हम यहाँ से टाइट कर देते हैं ताकि ना, अब ये इसके स्टेप इन्होंने दिए हुए हैं, ये इस तरह से ओपन होता जाएगा। आपने इसकी जितनी भी लेंथ रखनी है इसी तरह से ये क्लिप भी हैं, ये भी ओपन हो जाएंगे, ओपन करके आपके इसकी हाइट। ये इस तरह से हमारा ट्राईपॉड सेट होगा ये वाला। अगर अभी भी छोटा हो तो आप इसको हम इसको भी हम निकाल सकते हैं, तो इसकी अच्छी खासी हाइट हो जाती है जो कि आप
ऑलमोस्ट सब चीज़ें आप इस पर कवर कर सकते हैं। तो ये हमारा आ गया बड़ा ट्राईपॉड। और अब लास्ट ऑन द लिस्ट, ये मैंने बैग एक और लिया है, अपना ट्रैवलिंग बैग है ये। इस ट्रैवलिंग बैग में ये मेरा कैमरा वगैरह सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। फिलहाल मैंने ये लिया, लेकिन इंशाल्लाह इन फ्यूचर मैं एक बड़ा बैग लूँगा जिसमें सारी मेरी एसेसरीज वगैरह माइक्स वगैरह आ जाएंगे, डिफरेंट वे कैरी नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा प्लान ये है कि इंशाल्लाह जो फर्दर ऑन जैसे जैसे मेरे वीडियो में इम्प्रूवमेंट आएगी, आप लोगों का प्यार बढ़ेगा, आप लोगों का सपोर्ट बढ़ेगा, तो इंशाल्लाह प्रोग्राम यह है कि मैं ड्रोन कैमरा भी लूँगा जिसके जो कि मैं अपने आउटसाइड वीडियो में यूज़ करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी एफर्ट और मेरी बनाई हुई वीडियोज़ भी पसंद आ रही होंगी। अभी स्टार्ट है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, मे बी थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट, थोड़ी नहीं ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उसको इग्नोर कीजिए और अपना सपोर्ट अपना प्यार बरकरार रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, खुश रखें। दोस्तों इस टाइम मैं जा रहा हूँ शॉपिंग सेंटर, वहाँ जाके मैं अपने वीडियो के लिए ब्लॉगिंग के लिए एक नया लैप, जैसे मैंने आपको बताया था।